हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम एक्स यू। मैं हूं आयुषी और मैं आज एक नया वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं स्कर्ट टॉप सेट का रिव्यू करने वाली हूं जो मैंने मीशो से बुलाया था। तो इसका प्राइस अराउंड 724 है। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो मैं बता देती हूँ कि मैं आयुषी हूँ और इस चैनल में मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, एथनिक वेयर एंड वेस्टर्न वेयर। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, वुड मीन अ लॉट। तो गाइस, बहुत ज्यादा डिले ना करके लेट मी शो यू द ड्रेस। ये जो सेट है बताया हुआ है कि इट इज फ्री साइज एंड इट कैन फिट फ्रॉम साइज स्मॉल टू एक्सेल। ओके, ये बताया हुआ था एंड आई ऑर्डर्ड अ कलर ब्लैक बट आई गॉट ऑलिव ग्रीन कलर, डिड नॉट गेट द राइट कलर। ओवरऑल मुझे ये ड्रेस इतनी पसंद नहीं आई। अब मैं बता देती हूँ कि क्यों नहीं आई है। टॉप कुछ इस तरह से दिया हुआ है, दिस इज एन ऑलिव ग्रीन प्रिंट, तो बहुत ही प्यारा है। आजकल ये बहुत ज्यादा फेमस है कुछ इस टाइप के। इसका आप देखोगे ये ऑफ शोल्डर दिया हुआ है, यहाँ पर काफी अच्छा इलास्टिक दिया हुआ है, इट्स अ क्यूट पैटर्न। स्लीव्स भी अच्छी खासी दी हुई है। आप नीचे भी देख सकते हो कि यहाँ पर भी इलास्टिक लगा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटिल बिट ये इसका फैब्रिक इज लिटिल बिट सी थ्रू, बट अदरवाइज इट्स अ गुड फैब्रिक। ओके, प्रिंट इज ऑल्सो गुड बट अगेन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द कलर। आई वॉन्टेड ब्लैक एंड गॉट ऑलिव ग्रीन। अब मैं इसकी स्कर्ट दिखाती हूँ कि स्कर्ट किस तरह से आई है। गाइज, एक तरफ से इसका फ्लेयर थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है मुझे, मतलब इस साइड पे यू कैन सी कि थोड़ा इस शेप में फ्लेयर आया हुआ है एंड इलास्टिक दी हुई है। मुझे यहाँ पर इस कपड़े को देखकर ऐसा लग रहा है कि इट इज काइंड ऑफ सी थ्रू, बट वो पहनने के बाद ही पता चलेगा। अगर ये ड्रेस साइज के अकॉर्डिंग बनी होती तो दिस वुड हैव बीन सो मच बेटर, क्योंकि हर एक साइज का हर एक तरह का अलग फिटिंग आता है कि एक बॉडी शेप में इस आउटफिट को अगर कोई पहनेगा तो किस टाइप का लुक आएगा। सो दिस इज काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल थिंग जो दे दी है, सो आई डिड नॉट लाइक दिस अबाउट इट। लेंथ है इट्स एंकल लेंथ, मुझे पहनने के बाद बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। इसका जो फैब्रिक है दैट इज शिफॉन एंड आई वुड रेट दिस आउटफिट 5 out of 10। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड नॉट लाइक द कलर, जो राइट कलर था आई डिड नॉट गेट इट। सेकेंड फिटिंग, ओके, अगर साइज के अकॉर्डिंग फिटिंग होती तो दिस आउटफिट मस्ट हैव रॉक्ड बिकॉज दिस इज अ प्रिटी ट्रेंडी आउटफिट, बट अगेन ये साइज के अकॉर्डिंग नहीं थी, दिस इज वाई आई डिड नॉट लाइक इट। फ्लेयर, अगर हम फ्लेयर की बात करें तो अगेन अगर वो साइज के अकॉर्डिंग होता तो फ्लेयर और अच्छा आता, यू नो। सो दिस इज द होल डील अबाउट दिस ड्रेस। अब मैं इस पे ज्वेलरी और फुटवेयर ऐड करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है बिकॉज आई एम नॉट सो मच सेटिस्फाइड विद द ड्रेस। अब चलिए मैं आपको ये आउटफिट पहन के दिखा देती हूँ। तो गाइज, ये आउटफिट पहनने के बाद कुछ इस तरह से लगता है। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताना। ये आउटफिट प्राइस के अकॉर्डिंग और बेटर हो सकता था। तो गाइज, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंटिल देन, बाय बाय।